અમદાવાદમાં જીપીએસસીની પરીક્ષામાં પેપર લીક થવાનો મામલો સામે આવતા જીપીએસસી બોર્ડ સામે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે। જીપીએસસીની ચીફ ઓફિસરની પરીક્ષા 29 સપ્ટેમ્બરે લેવાઈ હતી, જેમાં પેપર લીક થઈ જતા સમગ્ર મામલો ગરમાયો હતો અને જીપીએસસી બોર્ડના અધિકારીઓની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ હતી। પોલીસે પેપર લીક મામલે અત્યાર સુધી 3 આરોપીની ધરપકડ કરી છે। પોલીસની તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે ચિંટુ દેસાઈએ ભુવાલને પેપર આપ્યું હતું। પોલીસ દ્વારા જીપીએસસી બોર્ડને સમગ્ર બાબત ધ્યાનમાં લાવતા બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષા પણ રદ કરવામાં આવી છે। तीनों आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे जो पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि नरेंद्र देसाई और संजय देसाई और धीरेन्द्र देसाई, ये लोग इनको जो है पेपर ला कर दिए चिंटू भाई देसाई को, और चिंटू देसाई ने दिलीप चौधरी को दिया, दिलीप चौधरी ने भूवल चौधरी को दिया। भूवल चौधरी एक्चुअली एग्ज़ाम दे रहा था चीफ ऑफिसर का, और ये जो पेपर पकड़ा गया है, जो हमने रिकवर किया पेपर भूवल चौधरी के पास से पंचों के रूबरू में, वो पेपर बिल्कुल जो ओरिजिनल पेपर है उसका बिल्कुल कॉपी है। पुलिस ने सघन पूछपरछ में अन्य त्रण नामों सामे आया है, नरेंद्र देसाई, संजय देसाई और धीरेन राजगोर, जेमाथी नरेंद्र देसाई गांधीनगर में स्टैम्प ड्यूटी कारकुन है, संजय देसाई ट्रेजरी विभाग में क्लार्क है। पकड़ायेला आरोपी पहले थी अन्य त्रण व्यक्ति संपर्क में था और पेपर लीक करने पैसा पण आपवाना हता। अभी तक इतना क्लियर नहीं हो पाया, इनका कहना है कि दोस्ती में हमें पेपर दिया गया, लेकिन कुछ जो रूमर चल रही थी, इनका कहना है जो कुछ रूमर चल रही थी उसमें ये था कि 1.5 से 3 लाख रुपए जो है वो 1.5 से 3 लाख रुपए में पेपर दिया जाएगा। हैं कौन कौन इन्वॉल्व है और ये कोई चैन है क्या, कहाँ तक जो है रूट क्या है इसका, कहाँ ये वास्तव में बना है, किसने फोटोकॉपी करवाई है, किस तरीके से जो है पेपर लीक हुआ, किस तरीके से पेपर निकाला है, उसका हम लोग जो है पूरी डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। પોલીસ હવે અન્ય 3 વ્યક્તિને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। પોલીસનું માનવું છે કે જો આ 3 આરોપીઓ પોલીસના શકંજામાં આવશે તો પેપર લીક કરનાર તમામ આરોપીઓ સુધી પહોંચી શકાશે। હવે જોવાનું રહેશે કે પોલીસ ક્યારે અન્ય 3 વ્યક્તિ સુધી પહોંચી શકે છે। કેમેરામેન મિત ભટ્ટ સાથે કશ્યપ જોશી, ન્યૂઝ ઓનલાઈન, અમદાવાદ।